कृष्णा से चुप राम होता, कर्मेंद्रियों पर विजय वो पाता। इच्छा कृष्णा से चुप राम चित्त सदा निर और सदा खुशहाल हो रहता। उसका और सदा खुशहाल हो रहता, हर स्थिति में अचल वो रहता। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है। त्याग विकारों का, त्याग विकारों का, निरस्ति हानि
राजयोगी बन के सीखो भूलना मुस्कुराना, राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुण गुनाना, सब पे खुशियाँ लुटाना, गुनगुनाना सब खुशियाँ लुटाना, राजयोगी बन के सीखो Om Shanti. Very good evening, Sabhiko. आवाज क्लियर आ रही है सभी को? जी दीदी, क्लियर आ रही है आवाज. थैंक यू सो मच. आज बहुत सुंदर दिन है. पिछले 3 दिन से हम इस डिजिटल रूप के द्वारा, इस साइंस के द्वारा एक दूसरे से जुड़ गए हैं. जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो अनकहे एक रिश्ता बन जाता है. आप कहाँ बैठे हो, हम कहाँ बैठे हैं, फिर भी एक रिश्ता जुड़ता जाता है. और जैसे जैसे रिश्ता जुड़ता जाता है, रिश्ता जुड़ता जाता है, तो एक अपनापन डेवलप होता है. और जो अपनापन डेवलप होता है उससे हम कहते हैं योग, संयोग. जब भी अचानक किसी से मिल जाते हैं तो हम कहते हैं ये संयोग ही तो था जो हम आपसे मिले. और जब इस तरह का योग किसी से मिल जाता है तो हम फील करते हैं कि यस, हाँ हम आपसे मिले हैं. तो राजयोग के अंदर भी क्या है, इस योग के अंदर भी हम मिलते हैं अपने आप से, अपने पिता से, खुद खुदा से. और जब वह संबंध जुड़ता है तो उसे राजयोग कहते हैं. तो राजयोग के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. लेकिन हम सत्र की शुरुआत करें उसके पहले हम थोड़ा सा साइलेंस में बैठेंगे. सबसे अनुरोध करती हूँ, कृपया 1 घंटे के लिए आराम से बैठकर आप ऐसे महसूस करें जैसे हम आमने सामने हैं. नोट पेन लेकर बैठेंगे. और फील करेंगे मैं अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल कर इस कोर्स के लिए जुड़ी हूं. मुझे अपने जीवन के क्षण का बहुत फायदा उठाना है. स्वयं को संपूर्ण तरह से तैयार करें कि ये 1 घंटा मेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है, मेरी सोच को बदल सकता है. इसलिए मुझे संपूर्णतः फुल अटेंशन के साथ
इसको सुनना है, अंदर उतारना है। मैं तैयार हूं, मेरे अंदर शांति ही शांति है। ओम शांति। तो आज आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जब भी हम 3 दिन मिले, हमने एक शब्द को यूज किया एंड द वर्ड इज ओम शांति। क्या मीनिंग है इस ओम शांति शब्द का? ओम के अंदर 3 शब्द आते हैं, ए यू एम। ए का मतलब होता है आचरण, उ का मतलब होता है उच्चारण, और म का मतलब होता है मनसा। आचरण में अर्थात व्यवहार में, उच्चारण में अर्थात बोल में, और मनसा में अर्थात मेरी मानसिकता में शांति बनी रहे, इसको कहेंगे ओम शांति। समझ में आई ये बात? आचरण में, उच्चारण में और मेरे मनसा में शांति बनी रहे, मनसा वाचा कर्मणा में शांतिपूर्ण व्यवहार बना रहे, अंदर की एकाग्रता बनी रहे, अंदर की खुशी बनी रहे, इसको कहते हैं ओम शांति। तो आप सभी भी 1 मिनट अपनी वीडियो ऑन करके बोलेंगे ओम शांति, मैं आपको देख लूंगी। बहुत मीनिंग के साथ बोलेंगे ओम शांति। फिर एक बार बोलेंगे ओम शांति। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको 3 बार ओम शांति क्यों बोलते हैं उसका भी मतलब समझाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमने जो 3 दिन हमारा सेशन लिया हार्मनी इन रिलेशनशिप, संबंधों में मधुरता, और उसके अंदर हमने एक निचोड़ को पकड़ा कि खुद को सशक्त करने के लिए, खुद को पावरफुल करने के लिए, खुद की हार्मनी को मेंटेन करने के लिए हमें एक इनर पावर की जरूरत है। और हमने ये समझा कि अगर मैं अपने सराउंडिंग के रिश्तों को हार्मोनियस बनाना चाहती हूँ, या सराउंडिंग के कैसे भी वातावरण से अनअफेक्टेड रहना चाहती हूँ, तो रिलेशन विद सेल्फ, खुद के साथ एक संबंध होना जरूरी है। और खुद के साथ के संबंध को मेंटेन करने के लिए, खुद के साथ के संबंध को हेल्दी बनाने के लिए हम सब जुड़े हैं राजयोग की शिक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई, क्यों हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। व्हाई शुड आई नीड टू स्पेंड माय टाइम इन लर्निंग मेडिटेशन? क्यों मुझे अपने जीवन का ये समय देना पड़ेगा मेडिटेशन सीखने के लिए? क्यों मैं इसके लिए अपने जीवन के इस अमूल्य क्षणों को यूटिलाइज करूं?
हाँ, ये जो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ये आपके और मेरे जैसों के ही विचार है। स्वयं के विचारों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन की ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली आज के जमाने में जब वर्कहोलिक इंसान होते हैं और बहुत काम करते जाते हैं और फिर सडनली जब उनको नींद करनी होती है या एक मिनट ब्रेक करनी होती है दे कांट, हम नहीं कर पाते हैं। तो अपने संकल्पों को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है मेडिटेशन का विधि। दूसरा है टू गेट पीस ऑफ माइंड। कईयों के घर में हमने सुना है पैसा है, बच्चे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, पर मन की शांति नहीं है। और इस मन की शांति को महसूस करने के लिए भी क्या चाहिए? मन की शांति को महसूस करने के लिए भी मेडिटेशन चाहिए। फिर तीसरा आता है फॉर होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण तंदुरुस्ती। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। तन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी तंदुरुस्त रहे, इसके लिए चाहिए मेडिटेशन। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मन की स्थिरता चाहिए। फिर आता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय। जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है निर्णय शक्ति। हर छोटी छोटी बात में हमें निर्णय लेना होता है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी चाहिए मेडिटेशन। फिर आता है टू फेस द चैलेंजेस। जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है और उसको फेस करने के लिए, इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी हमें पावर की जरूरत है। और फिर आती है इमोशनल हेल्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान इमोशनली वीक हो जाता है, किसी ने उसको छोड़ दिया, किसी ने उसका विश्वास तोड़ दिया, या कहीं पर ये नौकरी में भी आप सबने देखा होगा कई बार ये होता है कि आपके ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय आपको छोड़ के बिना बताए चले जाते हैं। और स्पेसिफिकली जब हम 20 से 30 साल की उम्र में होते हैं, किसी की आंखों में, किसी के शब्दों में अपने जीवन को जब पढ़ते हैं, तभी भी लगता है कि वी नीड इमोशनल हेल्थ, क्योंकि तभी भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर आता है गुड इम्यून सिस्टम, हमें इम्यून सिस्टम भी अच्छी सी चाहिए। इसके लिए भी हम क्या सीखते हैं? मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे कि क्या इन 8 जो मैंने रीजन बताए, कंट्रोलिंग थॉट्स, मन की शांति, होलिस्टिक हेल्थ, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग, फेस चैलेंजेस, इमोशनल हेल्थ, गुड इम्यून सिस्टम, उसके अलावा आपके मन में कोई ऐसा है जिसके लिए हमें ये चाहिए? चैट बॉक्स में मैं वेट कर रही हूँ आप सबके जवाब का। गुड रिलेशन, पीस, कनेक्ट टू गॉड, बहुत अच्छा है। सुचिता जी कह रही है बैलेंस इन इमोशंस फॉर स्ट्रेंथ, इम्प्रूव एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, हेल्दी रिलेशनशिप एंड कनेक्टिंग टू गॉड, वेरी नाइस आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइव रेस्पॉन्स। Still to a lovely life, remain focused, peaceful life, make ourself good, self-realization, improve inner power. So these are the causes. मतलब कोई भी चीज जब हम कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत clear vision होना जरूरी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि मुझे भूख लगी। मुझे भूख क्यों लगती? क्योंकि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। खाना खाने से क्या होगा? एनर्जी आएगी, ब्लड बनेगा। तो मैं खाना खाती हूँ उसके पीछे मुझे कॉजेस मालूम है। मैं नौकरी क्यों करती हूँ? मुझे पैसों की जरूरत है। मैं जॉब क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं अपनी टैलेंट और स्किल को यूटिलाइज करना चाहती हूँ। हाँ, मैं नौकरी क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं अपने समय को सफल करना चाहती हूँ। आई हैव क्लियर विजन। तो आप सब भी
अपने जीवन का ये अमूल्य समय निकाल के अच्छे से बैठे हैं तो इसमें भी क्या जरूरी है, यू मस्ट हैव क्लियर विजन कि मैंने ये समय क्यों निकाला है अपने लिए। तो अब हमारी बुद्धि में बहुत क्लियर है कि व्हाई आई नीड टू डू मेडिटेशन। अब इसमें राजयोग मेडिटेशन क्या है, क्योंकि मेडिटेशन की भी काफी डेफिनेशन है जो हम आगे देखेंगे। राजयोग मेडिटेशन का मतलब होता है योग की एक ऐसी विधि जिसके अंदर हम सेल्फ की मास्टरी लेते हैं। ये एक ऐसा योग है जो सभी योगों का राजा है। इस योग को सीखने के बाद और कोई योग सीखने की जरूरत नहीं होती है। ये एक ऐसा योग है जिसमें हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, इसका मतलब ही होता है टर्न विदिन, हम खुद के अंदर झांकते हैं एंड देन ट्यून विद गॉड, परमात्मा के साथ करते हैं। ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर हम एलिवेटेड थॉट्स को क्रिएट करते हैं, हम ऊंचे विचारों को जनरेट करते हैं और फिर उसका अनुभव करते हैं। और अगर और कहूँ तो ये क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये राजयोग मेडिटेशन संकल्पों की शून्य अवस्था नहीं है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन के अंदर हमें एक सही विधि सिखाई जाती है क्या सोचना है। सोचने के पहले सोचने की दिशा नक्की करना सिखाया जाता है। तो जब राजयोग मेडिटेशन सीखने की बात आती है तो हम इस हमारी बुद्धि में बहुत क्लियर है कि योग की एक ऐसी विधि जिससे हम हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों का स्वामी बनते हैं। राजयोग का मतलब होता है ये एक ऐसा योग है जिसमें हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब का समन्वय हो जाता है। ये एक ऐसा योग है जिसमें हम खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, खुद की ओरिजिनल क्वालिटीज के बारे में जागृत होते हैं और फिर परमात्मा को पहचानते हैं। ये एक योग की ऐसी विधि है जिसके अंदर परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ के खुद के अंदर शक्ति भरते हैं। तो इस योग को सीखने के लिए अब हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, वो थिंग्स, सोचता कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं वो थिंग्स कौन सोचता है, क्या जवाब देंगे आप सभी? कौन सोचता है? कौन सोचता है? वो थिंग्स, मन, सेल्फ, बहुत अच्छा, आई, मैन, वेरी नाइस आंसर, बुद्धि, ब्रेन, माइंड, पावर ऑफ सोल, सोचता कौन है? आई थिंक, मैं सोचती हूँ। हु इज दिस आई, मैं कौन हूँ? नोइंग द आई, थ्रू आउट द डे वी आर यूजिंग टू वर्ड्स आई एंड माई, दो शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, मैं और मेरा। कुछ भी होता है मैं और मेरा, जस्ट ऑब्जर्व करें द डे यू पास टुडे एंड चेक कितनी बार हम इस शब्द को बोलते हैं, कितनी बार हम इस शब्द को यूज करते हैं। मैंने क्या किया, मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, मेरा क्या है, इन्होंने मेरी ये चीज छीन ली, इन्होंने मेरे ईगो को हर्ट किया, इन्होंने मेरी क्लॉक को बिगाड़ दिया, इन्होंने इनकी वजह से मेरा शरीर बिगड़ गया, आज मेरे पेट में दर्द है, मेरी स्किन बहुत सुंदर है, मेरे बाल बहुत सुंदर है, मेरे घर बहुत सुंदर है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो बार बार हम क्या करते हैं, हम ये सोचते रहते हैं मैं और मेरा। एक कमेंट आ रही है, इंक्रीज योर वॉल्यूम, आई थिंक मैं तो फुल बोल रही हूँ, क्या कहेंगे, मैं नजदीक लेती हूँ।
चेतना का वॉइस ठीक है उनको बोली ईयरफोन का यूज करेंगे। हाँ, जिनको भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, जूम के अंदर एक रिक्वेस्ट होती है, यू प्लीज यूज योर हैंड्स फ्री, ईयरफोन यूज करके बैठिए। थैंक यू सो मच। तो दो शब्दों को हम बार बार यूज करते हैं, मैं और मेरा। तो जितना हम मैं और मेरे शब्द को यूज करते हैं, तब हमें पता चलता है मैं कौन मेरा कौन। और राजयोग का फाउंडेशन ही ये है, मैं मेरे बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम देखते जाएंगे, जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि आप कौन हैं, आज मेरे सामने जो भी बैठे हैं उनसे मैं एक सवाल करूंगी, दोज वर फ्रेशर टू राजयोग, जो राजयोग के फ्रेशर्स हैं उनसे मेरा ये सवाल है, अगर मैं आपको पूछूं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप क्या इंट्रोडक्शन देंगे? प्लीज रेज योर हैंड हु इज टोटली फ्रेशर टू राजयोग। हाथ खड़ा करें जो राजयोग पहली बार कर रहे हैं। वैशाली आसार, सिस्टर आपको हम अनम्यूट करते हैं, आप अनम्यूट करके बताइए आपका परिचय, अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वैशाली बहन, हाँ अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ जी, मेरा नाम वैशाली है। हाँ हाँ, और मैं मुंबई में रहती हूँ। थैंक यू सो मच। और कौन था फ्रेशर? वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा करेंगे ना तो पता चलेगा ऐसे तो। हाँ कृति, आप बताइए अपना परिचय दीजिए। दीदी, माय नेम इज कृतिका सुचित्रा। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे ये मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, और किसी को स्पेशली जो राजयोग कर रहे हैं उनको और कोई स्पेशल परिचय देना है जो पहली बार कर रहे हैं? अगर दे वांट टू गिव दैट इंट्रोडक्शन, दे कैन चैट मी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देख रही हूँ। दीदी जी, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट आईआईटी का। या थैंक यू, वेलकम। पोस्ट ग्रेजुएट। थैंक यू सो मच। तो देखो, ये हम सबका परिचय जब भी पूछा जाता है तो हम क्या यूजुअली देते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर बताया है, या हम अपना नाम बताएंगे, या हम अपनी नेशनलिटी बताएंगे, या हम अपनी पोजीशन बताएंगे, हम अपनी स्किल्स बताएंगे, हम अपनी लिंग मतलब मैं पुरुष हूँ, फीमेल हूँ, स्त्री हूँ, हम अपना धर्म बताएंगे, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैं जहाँ भी जाऊँगी, अगर कोई फॉर्म भी फिलअप करना होगा मेरे इंट्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं KYC, नो योर कैरेक्टर, तो इसके अंदर हमें यही बातें पूछी जाती है ना, नेम, डेजिग्नेशन, क्या है आप, मेल है, फीमेल है, आपकी रिलीजन क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, नेशनलिटी क्या है। लेकिन क्या ये आप हैं? क्या ये आप हैं? हम जब पैदा होते हैं तब हमें पहचान मिलती है मेल और फीमेल की। लड़का हुआ है, लड़की हुई है, अरे पैदा होने के पहले ही चर्चा होती है पेरेंट्स के बीच में, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। तो तुरंत हमको बचपन से पहचान मिली है, लड़का लड़की, लड़का लड़की। देन फिर अगर मैं अब्रॉड जाती हूँ तो आई एम इंडियन, कहीं मैं दूसरे देश में गई या दूसरे देश वाले आते हैं, वी कॉल देम फॉरेनर। हम कहीं जाते हैं हम कहते हैं वी आर इंडियन, वी कैम फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से आए हैं। दूसरे स्टेट में जाते हैं हम गुज्जू हैं, गुजराती हैं, हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, हम स्टेट की पहचान देते हैं। अगर कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ये किया है, सो किया है। तो हर जगह मेरी पहचान जो मुझे दिखती है वही दिखती है। लेकिन राजयोग के अंदर हम आपको आपकी इंटरनल इंट्रोडक्शन से मिलवाएंगे कि हमारी इटर्नल इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि अभी हमने जो परिचय लिया दैट इज नॉट इटर्नल,
ये इंटरनल इंट्रोडक्शन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन मेरी टेम्पररी है। जैसे ही मैं ये शरीर छोड़ूंगी मेरी इंट्रोडक्शन खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मिस्टर पटेल करके एक इंसान 25 साल का है जिसने अभी MBBS कंप्लीट करके MD किया है और अब सडनली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल में लिया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स बोलते हैं मिस्टर पटेल इज सीरियस, ही इज हैविंग ओनली 24 आवर्स, नाउ ही इज शिफ्टेड टू ICU। उनको ICU में ले लिया जा रहा है, अब वो थोड़े समय के लिए हमारे पास है, इस तरह बताया जाता है। और जब इस तरह बताया जाता है तब क्या होता है सबके, अब मिस्टर पटेल का क्या होगा, वो तो डॉक्टर है, हमारा इकलौता बेटा है, जस्ट नई नई शादी हुई है, नई नई एंगेजमेंट हुई है, ब्ला 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 ब्ला, यही सारी बातें हमारी बुद्धि में आती है। और जैसे 24 आवर्स के बाद डॉक्टर कहते हैं सॉरी मिस्टर पटेल इज नो मोर, कृपया टेक हिज डेड बॉडी टू योर होम, स्टिल बॉडी वहीं पर ही है, वहीं पर मिस्टर पटेल लेटा हुआ है, वही डॉक्टर जिसने MD किया है वो वही लेटा हुआ है, वही किसी का पुत्र, किसी का होने वाला हस्बैंड, किसी का फियांस, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, क्या चला गया जिसके लिए कहा गया कि he is no more। तो ये मेरी पहचान है जो इन सबके जाने के बावजूद भी रहती है। जैसे ही मुझे ये पहचान मिलती है ये सारे रिश्ते मेरे कट कट हो जाते हैं, धीरे 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 ये सब कट कट हो जाते हैं। और मेरी सत्य पहचान आती है, क्या आती है कि आप 5 तत्वों का बना यह हड्डी मांस का शरीर नहीं है, पृथ्वी अग्नि हवा आकाश पानी से बना हुआ शरीर नहीं है। तो आप कौन है? आप एक आत्मा है, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल दो भ्रमर के बीच एक चमकता स्टार है, इसे कोई भ्रुकुटी कहते हैं। तो ये हम हैं, ये हमारी रियल पहचान है। आई एम अ सोल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोल। सोल का मतलब ही होता है सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। आत्मा और शरीर के बीच का संबंध क्या है? अगर शरीर सिप है तो आत्मा मोती है, अगर शरीर कार है तो आत्मा ड्राइवर है, अगर शरीर घर है तो आत्मा मालिक है, अगर शरीर रथ है तो आत्मा रथी है, अगर शरीर राजधानी है तो आत्मा राजा है, अगर शरीर मोबाइल है तो आत्मा सिम है, अगर शरीर रॉबर्ट है तो आत्मा प्रोग्रामर है। दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मी एंड माई बॉडी। ये संबंध है मेरे और मेरे शरीर के बीच में। राजयोग का मतलब है इस स्थूल देह के अंदर रहने वाली आत्मा की रियलाइजेशन, इसकी अनुभूति। और जितना जितना हम इसको एक्सपीरियंस करते जाएंगे मन को शांति मिलेगी। हाउ, कैसे? कहीं पर भी जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर एक सन्नाटा होता है। क्यों सन्नाटा है? क्योंकि जैसे ही आत्मा देह से न्यारी हो जाती है वहां पर सन्नाटा नेचुरल हो जाता है। राज्यों के अंदर भी हम इस आत्मा का ही अभ्यास करते हैं और इस आत्मा को ही बार 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 महसूस करते हैं। तो आप सब जहां भी बैठे हैं, आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट देना चाहूंगी, और ये रिक्वेस्ट वो है कि आप थोड़ा साइलेंस में जाएंगे
साइलेंस में जाकर अपने संपूर्ण ध्यान को आप महसूस करते जाएंगे। मैं इस शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये शरीर सीप है, विजुलाइज करें, ये शरीर एक सीप है, उसके अंदर मैं आत्मा मोती हूं। पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, ये शरीर रथ है, मैं आत्मा रथी हूं। ये शरीर सब कर्मेंद्रियों की राजधानी है। मैं आत्मा इसका राजा हूं। ये शरीर मोबाइल है, मैं इसका सिम हूं। आंखों से देखने का काम, मुख से बोलने का काम, हाथों से कर्म कराने का काम सब कर्मेंद्रियों को एक्टिव रखने का कार्य मुझ आत्मा का है। अगर मैं आत्मा हूं तो शरीर यूजफुल है। आत्मा हूं, तो शरीर की कीमत है। मैं इटर्नल हूं, अविनाशी हूं, सशक्त हूं मैं आत्मा। ये है सोल की अनुभूति। ये जस्ट हमने ट्राई किया, हमें इसको नॉनस्टॉप प्रैक्टिस करनी है। दिन में 10 बार इस बात को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूं। आपको लगेगा क्यों याद दिलाना है, आगे आगे क्लैरिटी आती जाएगी कि हमें क्यों याद दिलाना है। आप देख पा रहे हो, आत्मा शरीर का मालिक है
और पांच इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है आत्मा। ये पांच इंद्रियों को आप देख रहे हो, आंख को, कान को, नाक को, जबान को, चमड़ी को, इन सबका कंट्रोल आत्मा के हाथ में है। आत्मा कंट्रोलर है। शरीर का बायोडेटा में नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, गुण, मात पिता सब आता है, लेकिन आत्मा का बायोडेटा क्या है? We don't know. और वंडर तो ये हमें कई बार मालूम ही नहीं है कि we need to know about it, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। शरीर दिखता है तो उसके बारे में सब करते हैं, उसको सुंदर रखने के लिए पार्लर जाएंगे, कलर करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, जरूरी है। लेकिन सोचिए, एक मंदिर को आप बहुत सुंदर श्रृंगारित करते हो, लेकिन मूर्ति के अंदर अगर डस्ट ही डस्ट होगी तो आपको दर्शन करना अच्छा लगेगा? बताइए, वुड यू लाइक टू वर्शिप? नो, वी डोंट लाइक। हमें नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि हम दर्शन मूर्ति के करने आते हैं, मंदिर के नहीं। सेम भी हम लोग करते आए हैं, शरीर को ठीक रखा, शरीर को सुंदर रखा, लेकिन इसके अंदर रहने वाली आत्मा के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं। वी नेवर रियलाइज इट। हमें कभी इसकी जरूरत लगी ही नहीं कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म शक्तिशाली हूं। हमें इतना पता चला कोई एनर्जी है जो इस शरीर में है, लेकिन उस एनर्जी को किस केयर की जरूरत है ये हमें कभी नहीं पता चला। परमात्मा आके सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मेरे अंदर जो इनविजिबल एनर्जी है, एक सुषुप्त शक्ति है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लिविंग एलिमेंट है। हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग शब्द को भी हम डिफाइन करें तो ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन जो शब्द है वो लैटिन शब्द ह्यूमस से आता है, और जिसका मतलब होता है मिट्टी और सॉइल। ह्यूमन फॉर लिविंग, लिविंग का मतलब होता है एक लिविंग एलिमेंट, जीवंत शक्ति, जिसको हम कहते हैं सोल। सॉइल और सोल मतलब पांच तत्वों का बना हुआ मिट्टी का पुतला, और उसके अंदर जब आत्मा मिलती है तब फुल ह्यूमन बीइंग बनते हैं। हमने क्या किया, जो बाहरी पार्ट था उसको हम ठीक करते रहे, अंदर गड़बड़ चलती रही। आज हम देखेंगे एक्चुअल बायोडेटा में मूल आत्मा का क्या है। और जब आप सुन रहे हैं तो आप अवश्य इस बात का ध्यान रखिए, ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, ये कहानी हम सबकी है। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है। कई बार हम इस तरह कहते ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी ये है। नो, इट्स नॉट द फिलोसॉफी ऑफ ब्रह्मा कुमारी, इट्स द फिलोसॉफी ऑफ योरसेल्फ, इट्स अ फिलोसॉफी ऑफ माई सेल्फ। ये मेरी फिलोसॉफी है, मुझे अपने बारे में जानना है। और अब हम देखते हैं कि एक्चुअली आत्मा क्या है, आत्मा की क्वालिटीज क्या है। तो आप देख रहे हैं, ये जो क्वालिटीज दिख रही है, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। कैसे पता चले कि मेरी क्वालिटीज है? हाउ डू आई एक्सेप्ट, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि मेरी क्वालिटीज है? हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जाएंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मैं चॉइस देती हूँ, दो तरह की चॉइस। चॉइस नंबर वन, एक गोरा चिट्टा बच्चा है पर बहुत गंदा है, तुरंत उड़ने लगता है और फिजिकली भी नया धोया नहीं है, है गोरा चिट्टा लेकिन तुरंत रोने लगेगा, या तो गुस्सा करेगा, 3 साल का ही बच्चा है और डर्टी डर्टी कपड़े हैं, सब बाल बल गंदे हैं। और एक कंपेरेटिवली थोड़ा सांवला बच्चा है, बट नीट क्लीन है, स्माइलिंग फेस है, आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है। अब आप बताइए, आप पहले को पसंद करोगे या दूसरे को? वीडियो ऑन करके बोलिए, फर्स्ट या सेकेंड, क्या कहते हो? फर्स्ट या सेकेंड?
सेकेंड, सब कहते हैं सेकेंड, इट मीन्स माई चॉइस इज सेकेंड, इट मीन्स आई लव प्योरिटी। प्योरिटी मतलब नीटनेस, प्योरिटी मतलब क्लीननेस, प्योरिटी मतलब शुद्धता। आपको दो घर दिए जाते हैं, आपको रेंट पे लेने हैं। एक घर में जाले लगे पड़े हैं, हाँ नीचे की फर्श भी ठीक नहीं है, कलर भी ठीक नहीं है। एक घर उससे कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा है, लेकिन नीट क्लीन है, सब कपबोर्ड अच्छे हैं, पेंट किया हुआ है। आपको कौन सा घर पसंद आएगा? ऑब्वियसली सेकेंड वाला, क्योंकि सोल को क्या पसंद है? प्योरिटी, शुद्धता। तो ओरिजिनलिटी मेरी क्या है? प्योरिटी। जो नहीं दिखता है वो सब कुछ आत्मा का है, जो दिखता है वो सब कुछ शरीर का है, क्योंकि शरीर फिजिकल एनर्जी है, सोल मेटाफिजिकल एनर्जी है। तो शुद्धता, फिर आता है आनंद। अब उसमें भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह के दो ग्रुप लेते हैं। आवाज आ रही है दोनों साइड से, बहुत आवाज आ रही है, और आपको कहा जाता है आपको या तो इस कक्ष में जाना है या तो इस कक्ष में जाना है। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप कान लगा के सुनते हो यहाँ कौन सी आवाज आती है। अंताक्षरी खेल रहे हैं, हाँ वीडियो गेम भी चल रही है, मजाक कर रहे हैं, फिर यहाँ कान दे के आप सुनते हो यहाँ कौन सी आवाज आती है, और यहाँ आप सुनते हो तो आपको पता चलता है अरे बाप रे ये तो छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं। अब बताइए कौन सा ग्रुप पसंद करोगे, पहला या दूसरा? फर्स्ट, क्योंकि सोल की ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? आनंद स्वरूप है। तो मैं आत्मा ओरिजिनली आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा ओरिजिनली पवित्र स्वरूप हूं, ये मेरी ओरिजिनलिटी है, ये कोई बाहर से नहीं है। फिर उसी तरह आता है शांति। आपको कहा जाए आपको इनके साथ 4 घंटा काम करना है, आप और इनके साथ भी आपको 4 घंटा काम करना है, चलो 4 घंटा नहीं इनके साथ 1 घंटा काम करना है, लेकिन इनके साथ जो 4 घंटा काम करना है उसके अंदर आपको कुछ प्रोडक्टिव, कुछ आपके इंटरेस्ट का काम करना है, और इनके साथ आपको 1 घंटा सिर्फ लड़ाई करनी है। क्या ऐसी है 1 घंटा लड़ाई करना या 4 घंटा काम करना शांति से? क्या ऐसी है? मैं सबकी वीडियो को देखती हूँ, चैट भी पढ़ती हूँ। सेकंड या फर्स्ट? 4 घंटा काम करना इजी है, क्योंकि वहां क्या है? शांति है। नहीं, कई बार हम कहते हैं दो काम कम करे तो चले पर मन की शांति बनी रहे, अरे दो पैसे कम देंगे तो चलेगा पर प्यार से बात तो करें, कहते हैं ना हम सब ऐसे, क्योंकि आत्मा प्यार स्वरूप है और आत्मा प्रेम स्वरूप है तो उसको प्यार ही चाहिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसको मैच्योरिटी चाहिए, उसको कोई समझने वाला चाहिए तो उसको उसके साथ मजा आता है। तो ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज है और इसीलिए इस ओरिजिनल क्वालिटीज को मुझे वापस लाना है, क्योंकि मुझे पसंद तो शांति है लेकिन मैं शांति में रह नहीं पाती, छोटी छोटी बात में सेंसिटिव हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ, अग्रेसिव हो जाती हूँ, होता है ना हम सबके साथ ही, छोटे छोटे बात में मजा नहीं है। तो ओरिजिनली आई एम सोल पीसफुल, मुझे चाहिए भी शांति लेकिन मैं रह नहीं पाती, मुझे चाहिए प्यार लेकिन मैं प्यार दे नहीं पाती, मुझे चाहिए शुद्धता ट्रांसपेरेंसी लेकिन मैं वो कर नहीं पाती। इट मींस मुझ आत्मा के अंदर से, इस बैटरी के अंदर से वो एनर्जी डिप्लीट हो गई है, वो शक्ति कम हो गई है, और इसीलिए हम राज्यों की विधि सीखते हैं, बैक टू बेसिक, बैक टू ओरिजिनलिटी। हम फिर से इस क्वालिटीज को चर्निंग करते हैं, इस क्वालिटीज को रिवाइज करते हैं, और इस क्वालिटीज को रिवाइज करते करते हम स्वयं में शक्तियों को भरते हैं। क्लैरिटी मिला? और स्वयं को इस तरह पावरफुल करते हैं। इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रूवन,
कि कोई भी चीज को जब आप रिपीट करते हो ना तो वो आपके मन में छाप बन जाती है. एंड दिस इज द रीजन कई बार एडवर्टाइज देखो, कोई एक सीरियल में एक एडवर्टाइज बार बार आती है, कोई एक चीज की एडवर्टाइज करनी हर आधे किलोमीटर पे उसके बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे. क्यों? बार बार देखते हैं तो माइंड में पक्का हो जाता है ऐसा कुछ है. सेम वे इस सोल की एडवर्टाइज मुझे करनी है, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम पावरफुल. इसीलिए वेरी फर्स्ट डे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगी और कल आप सब अवश्य इस होमवर्क को करेंगे. एंड द होमवर्क इज आपको अपने ऑपोजिट हैंड से मिनिमम 100 टाइम्स लिखना है, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आई एम पावरफुल, मैं शक्ति स्वरूप हूँ. तीन चीजें लिखनी है, आई एम पीसफुल, मैं शांत स्वरूप हूँ, आई एम लवफुल, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आई एम पावरफुल, मैं शक्ति स्वरूप हूँ. जो चैट बॉक्स में लिख सकते कृपया लिख दीजिए ताकि जो नहीं लिख पाए हैं वो उसको देख देख के लिख पाएंगे. तो ये तीन चीजों को आपको कल होमवर्क करना है. करेंगे इतना होमवर्क? करेंगे? क्या कहते हो कभी सभी? Will you do this homework? करेंगे ना सभी? थैंक यू सो मच. होमवर्क करोगे तो आपका देना हुआ कुछ फायदा है. अब फिर आता है, अब क्या हुआ है, हमारी ओरिजिनल क्वालिटी कम क्यों हो गई है? क्योंकि जो समझदारी है, जो विवेक है, उसका स्थान लिया है भ्रम, इल्यूशन, अहंकार ने. प्योरिटी का स्थान लिया है बिल्कुल विशियस थॉट्स ने, बहुत गंदे विचारों ने लिया है. कंपेयर करना, किसी के बारे में, किसी के बारे में गंदा गंदा सोचना. प्रेम ने लिया है स्वार्थ, काम के लिए प्रेम नहीं कहते, वे माना बोले इतना तो काम करती है ना, प्यार करो. और ओपनली सिखाते हैं, ओपनली सिखाते हैं, इतना तो काम करती है ना, मतलब से रखो. तो प्यार का स्थान किसने ले लिया है? स्वार्थ ने. शांति का स्थान लिया है क्रोध, चिंता, भय ने. सुख का स्थान लिया है लालच और ईर्ष्या ने. आनंद का स्थान लिया है चीजों को संग्रह करना, मोह ने. और शक्ति का स्थान लिया है पोस्ट, पोजीशन, बाहुबल, पैसा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ. इज इट सही है? अब हमें क्या करना है? ओरिजिनल क्वालिटीज को वापस लाना है. और इस ओरिजिनल क्वालिटीज को वापस लाने के लिए आत्मा की सटल एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली सोल की सूक्ष्म एनर्जी कौन कौन सी है. क्योंकि जब तक उन सूक्ष्म एनर्जी को हम समझेंगे नहीं तब तक हम इसको वापस नहीं ला पाएंगे. तो सोल की तीन सटल एनर्जी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मन, बुद्धि और संस्कार. मन, बुद्धि और संस्कार. ना हम अपने मन को देख पाते हैं, ना हम अपनी बुद्धि को देख पाते हैं, ना हम अपने संस्कार को हम समझ पाते, देख नहीं पाते. मन क्या है? मन मेरे विचार करने की शक्ति है. मन इज माई थिंकिंग एनर्जी. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. जैसा मैं सोचूंगी यूनिवर्स में वैसी एनर्जी फैलती जाएगी. हमने रिश्तों में भी इस बात को समझा, बोल और कर्म के पहले मेरे संकल्प आप तक पहुंचते हैं. मैं आपके लिए क्या सोचता हूँ, और आप सबने कई बार महसूस भी किया होगा, अरे बस मैं आपको याद कर रही थी और आपका फोन आ गया, क्या योग है. अरे बस मैं ये सोच रहा था और ये हो गया, क्या योग है. तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाला रिसीव करता है. बहुत एक सुंदर रियल लाइफ का आपको इसमें एग्जांपल देना चाहूंगी. विशेषकर जो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशन सदियों से थोड़े तंग रहे हैं,
ना बहू अपनी सास को माँ का स्थान दे पाती है, ना सास बहू को बेटी का स्थान दे पाती है। खैर प्रेजेंट सिनेरियो काफी सुधर चुका है, बट ये जनरल बिलीफ सिस्टम है सोसाइटी की। तो ऐसा ही एक केस था, एक लड़की थी, बहुत अच्छी थी, अपने मन पसंद लड़के के साथ शादी की, और लड़का और दोनों की काफी अच्छी जीवन चल रही थी। और करीब करीब 6-7 साल बाद उसकी एक दोस्त के साथ उसका मिलना होता है, और तब वो देखती और कहती, अरे बापरी, ये तूने अपनी क्या दशा बना रखी है, क्या हो गई है तू, न सूरत में कोई चाम रहा है, न सीरत में कोई मोटापा आया है, और ही नूर ब्यूटी सब चला गया है, मैटर क्या है, मैं जस्ट नाम ऐसे ही दे रही हूं, क्या अजय बदल गया, जैसे सब लव मैरिज फेल जाते तुम्हारे भी फेल गई क्या, अब वो तुम्हें पसंद नहीं करता क्या, अब वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता क्या। प्रिंसी सेड, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोचती हो। तो बोला, ऐसी तबीयत की वजह क्या है। एंड देन सी सेड, क्या बताओ। बोला, मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी। थोड़ा समय दोनों फ्रेंड्स में गॉसिप चलती है, और फिर अंत में कहती है, मेरी सास, मेरी सास वजह है मेरी स्थिति की। बोला, क्यों, बहुत तंग करती है, अजय कुछ अपनी मम्मी को कहता नहीं है। तो बोलती है, नहीं वो साइलेंट किलर है, बिल्कुल साइलेंट किलर है। क्या करती है, रोज बाजू वाले के घर में जाती है और रोज मेरी चुगली करती है, ये ऐसी है, ये वैसी है, इसका रोज का नियम है 6 साल से। फिर वो बाजू वाली पड़ोसन तीसरे को सुनाती है, चौथे को, और फिर धीरे धीरे मोहल्ले में मेरी इमेज ही खराब कर दी है। तो बोला, अच्छा तुझे कैसे पता चला कि तेरी सास उसको सुनाती है। अरे उसकी बहू मेरी फ्रेंड है, तो वो मुझे सब कुछ बताती है कि मेरी सास वहां जाके क्या क्या बात करती है। बोला, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। और तब अचानक ही उस फ्रेंड के अंकल वहां आते हैं और थोड़ा बहुत सुन रहे होते, वो काफी समझदार और क्या बोले, विद्वान टाइप के इंसान थे। तो बोला, तुम दोनों सखियों की बात सुन रहा हूं, तुम दोनों को बचपन से जानता हूं। और फिर कहते, कृतिका तू एक काम करेगी। बोला, बोलो ना अंकल। तुझे इस सांस से छूटना है, इस सांस के साथ संबंध अच्छे करने, पहले ये तय कर। तो बोला, इकलौता सन है उसका, सांस को छोड़ के कहा जाएंगे, यही रहेंगे, लेकिन मेरा इतना दिल है कि मैं रिलेशन अच्छे बना। तो बोला, कल से तू एक काम कर, तेरी सांस के पहले उस पड़ोसन के घर में जाएगी तू, और तेरे सास के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेगी, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत मदद करती है, हाँ वो बहुत अच्छी है। बोला, बिल्कुल गलत है, ना वो मुझे कोई काम में मदद करती है, ना वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, अंकल सॉरी मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तो बोला, मेरे कहने के खातिर इतना तो तू कर, प्लीज ट्राई करके तो देख। बहुत कन्विंस करते हैं उसको, थॉट एनर्जी एक्सप्लेन करते हैं, एग्री हो जाती है। फिर एक हफ्ता उसने चालू रखा, धीरे 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 एक हफ्ते के बाद फिर अंकल से मिलना हुआ। बोला, कुछ सुधार है। बोला, हाँ 2% तो है। तो बोला, क्या सुधार है। तो बोला कि अब क्या होता है कि मेरी सास जाके उसको पूछती है, मेरी बहू तेरे घर आकर क्या करती है आजकल रोज रोज। तो उसकी सास ने बताया, तू अपनी बहू के बारे में ऐसा कुछ कुछ बोलती है, लेकिन वो तो जब भी आती है तेरी इतनी तारीफ करती है, बात मत पूछो। तो बोला, तारीफ तो करेगी ना, क्योंकि मैं इतनी हुई अच्छी, ऐसी सास मिलेगी कहाँ इस जमाने में, ऐसे करके बोलती है। लेकिन बोला, अंकल जब से मैंने उसकी तारीफ करना शुरू की है, उसका एटीट्यूड और अप्रोच बदल गया है।
पहले ये था कि तुझे नौकरी पे जाना है तो जा, सबकी रोटी बना के जानी है। तो अंकल जब मुझे जल्दबाजी होती थी तो मैं ऐसा करती थी कि उन तीनों की रोटी बना देती थी और खुद फिर ऑफिस में खाना खा लेती थी। तो अब इस बार क्या हुआ अंकल, पहली बार मेरे 6 साल में कि उसने कहा क्या बात है आज कितनी कम रोटी क्यों बनाई। तो मैंने कहा मम्मी बहुत जल्दी है, आपकी पापा जी की और छोटू की बना दी है, अभी मुझे जल्दी जाना है। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे हाथ पांव चलते हैं ना, मैं तेरा टिफिन डालती हूँ, बाहर का खाना मत खा, तबियत खराब हो जाती है। हाँ तेरी रोटी आज हमारी रोटी हम बना देंगे, तू अपना टिफिन भर के जा। बोला पहली बार उसने मुझे टिफिन पैक करके दिया, ये तो परिवर्तन है। बोला चालू रख इस सिलसिले को, फिर मैं मिलता हूँ तुझे। फिर मिला, बोला अभी तो मेरे छोटू को भी बहुत प्यार करती है। यूजुअली ये था कि अगर घर में नाश्ता नहीं है तो छोटू जाता था और उस कैबिन से 10 रुपए की लेज की वेफर आती और खा लेता था, कभी मैं नहीं बना पाती थी। तो इस बार जब उस छोटू केजी से जब आया, मतलब 5 साल का ही था तो केजी में ही था, तो बोलता है मम्मी दादी मैं लेके आता हूँ। तो बोला क्यों, तो बोला आज नाश्ता नहीं बनाया मम्मी ने। तो बोला अरे तेरी दादी है ना, तब उन्होंने नाश्ता बना के दिया उसको। बोला सिलसिला चालू रखो, ये सिलसिला चालू रहा, वो उसके लिए पॉजिटिव बनती गई बनती गई। और 3 महीने बाद ऐसा समय आया कि उसको बहुत जॉन्डिस की बीमारी हो गई, और आप सब जानते हैं उसमें इंसान को बहुत परहेज रखनी पड़ती है और इंसान दुबला पतला हो जाता है क्योंकि उसमें वो खा नहीं पाता है। तो उसने कहा मम्मी जी मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मम्मी के पास रहूंगी, आपको कितनी तकलीफ। तब बोलती है क्यों, वही तेरी माँ है, मैं तेरी माँ नहीं हूं क्या। See, this is how, कैसे संकल्प संकल्प में काम करते हैं, धीरज से ट्राई करना पड़ता है। ये रिवर्स भी हो सकता है, सास अपनी बहू के लिए भी सोच सकती है, बहू अपनी सास के लिए भी सोच सकती है, भाई भाई के लिए सोच सकता है। दिस इज अ रिवर्स, सोल टू सोल है ना, फाइनली तो हर एक आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज है। तो जब हम इतना नॉन स्टॉप उस आत्मा के लिए पॉजिटिव सोचते हैं तब परिवर्तन आता है, बट नॉन स्टॉप थके बिगर टायर्डलेस एफर्ट, तो तब ये संकल्प उस आत्मा के उस नेगेटिव बाण को कच करेंगे। लेटेस्ट लॉकडाउन में जब ये महाभारत आदि चल रहा था तब हमने भी 1-2-4 एपिसोड्स उस युद्ध के देखे ज्ञान को समझने के लिए। तो मुझे एक चीज उसमें बड़ी अच्छी लगती थी, यहां से बाण आता था, यहां से भी बाण आता था, फिर टकराते थे, या तो दोनों गायब हो जाते थे या तो फिर एक को लग जाता था। तो मेरे मन में ये चलता था यहाँ से नॉन स्टॉप नेगेटिव एनर्जी आ रही है, अगर यहाँ भी नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव आती गई आती गई आती गई तो हो सकता है इनिशियली ये फोर्स ज्यादा हो, पर धीरे 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 ये फोर्स ज्यादा होगा, फिर रिलेशन सुधर सकते हैं। तो हम इस तरह अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, तो चलिए अपनी एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी नॉन स्टॉप। तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि हमारा मन हमारा मित्र है, इसीलिए कहते मन ते जीते जगत जीत, मन ते हारे हार, माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा, न सिर्फ पहचानना होगा बट यू हैव टू अप्लाई इट। आगे हम देखेंगे कि कैसे हमारा सबकॉन्सियस माइंड काम करता है, बट उसके पहले हम यहाँ पे समझेंगे विचारों का स्रोत कहाँ कहाँ से है, मतलब संकल्प कहाँ कहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंद्रियों का प्रभाव, मान्यताएं, पूर्व स्मृतियां और रचनात्मकता। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि थॉट्स आते कहाँ से हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। या मैंने कुछ स्मेल किया घर में आते ही, जैसे ही स्मेल ली मेरे अंदर संकल्प चला, क्या बात है मेथी के पकौड़े बन रहे हैं, क्या बात है आज तो मोहनथाल की सुगंध आ रही है। तो जैसी स्मेल की वैसा ही थॉट क्रिएट हुआ, इंद्रिय का प्रभाव, एज आई स्मेल सो आई क्रिएट द थॉट, कुछ जलने की स्मेल आ रही है। सेम वे कान, ये मैंने नाक को लिया, अब हम लेते हैं कान को। मैंने कुछ सुना, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, अब रात को क्या होगा, हाँ दीदी ने ये बताया था ये बताया था, तो जो सुना फिर क्या होता है, वही संकल्प चलते हैं।
तो इसका प्रभाव फिर इस पे आया, फिर आता है उसी तरह मुख। मैंने कुछ अच्छा बोल दिया या किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो फिर वो संकल्प चलते हैं, इज इट, चलते हैं। उसी तरह आंख, ऐसा कुछ देख लिया फिर कई लोग बड़े एलर्जिक होते हैं। सपोज हमारे रिलेशन में एक है कि जैसे अगर उसने कहीं किसी को वॉमिट करते देख लिया या कहीं नॉनवेज बनते देख लिया तो उसको वॉमिट हो जाती है, बिकॉज वी आर प्योर वेजिटेरियन फैमिलीज। तो देखा और फिर सेंसेशन स्टार्ट, फीलिंग स्टार्ट। तो इंद्रियों का प्रभाव मेरे सोच पे बहुत है। जो मैं देखती हूँ, जो मैं स्मेल करती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, चाहे स्पर्श या ब्लबला एक्सेट्रा, वो जो भी है, जो मैं स्वाद लेती हूँ, टेस्ट लेती हूँ, इन सबके अकॉर्डिंग मेरे थॉट्स चलते हैं। तो मेरे थॉट्स पर सबसे पहला प्रभाव मेरी इंद्रियों का है। फिर दूसरा हमने देखा था पूर्व स्मृतियां, पीछे कुछ ऐसा हो गया होता है पास्ट में, बार बार वो रिकॉल। सिंपल, जैसे सिंपल ले ले रहे हम रियल लाइफ के एग्जांपल, कि शुरू शुरू में जब नई नई एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, तो प्यार का इजहार कुछ ज्यादा ही करते हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ कम हो जाता है। तो बार बार बार, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, वो समय था, अब ये समय है। कोई नई जगह ऑफिस में जाते हैं तो शुरू में सब बहुत प्यार करते हैं, बट एज आई स्टार्टेड टू ग्रो, जलसी सबको आने लगी। अब जो मेरे साथ प्यार से बात करने लगे थे, वही मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। तो कई बार पास्ट मेमोरीज हाँ मेरे थॉट्स का स्रोत बन जाती है। फिर मेरी बिलीफ सिस्टम, एक गार्डन के अंदर एक कवि गया, उसने एक फूल को देखा और उसने कविता लिख दी। एक बिजनेसमैन गया, उसने सोचा अरे वाह, इस फूल की तो इतनी कीमत आ सकती है, अगर इस तरह के गार्डन बनाए जाए तो, उसका थिंकिंग वैसा चलता है। उसी गार्डन के अंदर ना एक यंग मैन चाहता है, उसकी कल्पना कुछ अपनी ही हो जाती है। उसी गार्डन के अंदर एक साइंस का स्टूडेंट जाता है, वो फ्लावर का पूरा रिसर्च करता है, तोड़ के रख देता है। तो जैसी आपकी एजुकेशन और वर्क बैकग्राउंड है, वैसी ही थॉट चलती है। तो दिस आर द सोर्स ऑफ माय थॉट्स। तो मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा कि मेरे थॉट्स कैसे हैं। और कुछ क्रिएटिव बैठे बैठे, जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, इमेजिनेशन, कुछ लोग बहुत अच्छी नई नई डिशेस तैयार करते हैं, कुछ लोग बहुत नई नई डिजाइन तैयार करते हैं, तो कुछ क्रिएटिव थॉट्स भी होते हैं। अगर इस थॉट्स को डिफाइन करें तो हम उसको पांच तरह के थॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट एंड जीरो। लेकिन अब इसको हम कल देखेंगे, व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, what is negative thinking, what is waste thinking, what is zero thinking, इन सब thoughts को अच्छे से कल देखेंगे। साथ साथ जो आत्मा की जो energy है उसको भी देखेंगे कि बुद्धि शक्ति क्या काम करती है, संस्कार क्या काम करते हैं, और कैसे मन बुद्धि संस्कार मिलके मेरी पूरी personality बनाती है, तब जाके मैं कुछ परिवर्तन कर सकती हूँ। तो अब हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, फिर चैट बॉक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे देती हूँ। सो फर्स्ट वी विल सिट इन मेडिटेशन। आज सिर्फ सोल की अनुभूति करेंगे। फिल कीजिए एक बहुत सुंदर आकाश को देखे, विशाल आसमान है, उस आसमान के अंदर बहुत सारी चमकते सितारे हैं,
टिमटिमाते इन सितारों के बीच। एक सितारे पे मेरी नजर टिक जाती है, वो भी चमकता हुआ सितारा है। ये सितारा दो भ्रमर के बीच में भी चमकता है, मेरे मस्तिष्क के बीच भी ऐसे ही सितारे को मैं देखती हूँ। ये सितारा अर्थात मैं आत्मा, इसी को ही चेतना कहते हैं लोग। सोचने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा हूं मैं। मेरी वास्तविक क्वालिटीज है शांति, प्रेम, ज्ञान, गुण, पवित्रता। आज सिर्फ मैं तीन शक्तियों का अनुभव करूंगी। मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। शांति, प्रेम, और शक्ति के प्रकंपन मेरे आसपास है। कल तक मैं तीनों को मेंटेन करूंगी, शांति में रहूंगी, शांति को फैलाऊंगी। शक्ति स्वरूप रहूंगी, प्रेम स्वरूप रहूंगी और प्रेम बांटूंगी। शांति, प्रेम, शक्ति, ये मेरे अंदर है, छिपी हुई है, उसे मुझे फिर से जागृत करनी है।
बाहर नहीं ढूंढना है, बार बार मैं इस स्मृति को रिवाइज करूं। हाँ, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ओम शांति, ओम शांति। Thank you.